फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं और सीमा पर खास तौर पर हम देख रहे हैं लेबनान सीमा पर कि हलचल तेज हो चुकी है, बढ़ गई। आप अपनी आंखों से वहां पर क्या देख पा रहे हैं, फिलहाल क्या स्थिति है? स्थिति यहां पर बहुत ज्यादा टेंस होती जा रही है। पिछले लगभग 8-10 मिनटों में मैं 6 से 7 बार बड़े धमाके, और इनफैक्ट ये देखिए एबीपी न्यूज आपको पहला ऐसा भारतीय न्यूज चैनल है जो किस तरह से फाइटर जेट्स ऊपर जा रहे हैं इजरायली एयरफोर्स के, वो आपको दिखाएंगे बमबारी करके वापस आते हुए ये फाइटर जेट्स इजरायली एयरफोर्स के। हम काफ़ी नज़दीक हैं गाजा स्ट्रिप के और इसीलिए हम आपको फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन ये सभी के सभी दिखा पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 मिनटों में मुझे खुद 6 से 7 अलग अलग इस तरह के बड़े धमाके सुनाई दिए हैं जो इस बात के जाहिर सी बात है पुष्टि करते हैं कि ये फाइटर जेट्स बमबारी करके फिर तेल अवीव एयरबेस की तरफ जाते हुए ये फाइटर जेट, और जाहिर सी बात है कि आज बहुत ज़्यादा बमबारी की जा रही है। ये आज का जो शुरू का आप मैं ये कहूँगा कि एक फर्स्ट सैल्वो है वो इजरायली एयरफोर्स की तरफ से हमास पर दागा जा रहा है। जब ये पूरी तरह से एयर अटैक से पूरी तरह से जो हमास के बेसिस हैं या फिर जो लोकेशन है उन सभी को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, उसके बाद में जो संकेत मिले हैं उसके मुताबिक जो आर्मी है वो मूव करेगी, और इसीलिए एश्किलोन शहर सबसे ज़्यादा एक सेंटर पॉइंट बन गया है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमास की तरफ से रॉकेट्स भी दागे जा रहे हैं और यही एक वो बेस पॉइंट बन रहा है, एक लॉन्च पैड सा बनेगा जहाँ पर इजरायली फोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिलरी और साथ ही साथ जो टैंक्स हैं उसका इस्तेमाल कर रही है। हालांकि उस लोकेशन पे जहाँ पर ये एक बेस बनाया गया है वहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है मीडिया को, फॉर ऑब्वियस रीजंस की कितनी तादाद है या फिर क्या कुछ का इस्तेमाल किया जा रहा है हथियार के तौर पर, टैंक्स और इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स के तौर पर, वो हमास तक ये जानकारी न पहुँचे या फिर बाहर पब्लिक की जानकारी ना हो, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमास की तरफ से भी रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। लेकिन इंटेंसिटी हमास की तरफ से रॉकेट्स दागने की अगर आप देखेंगे पिछले 4 दिनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, वो इसलिए क्योंकि अधिकतर जो हमास के ठिकाने हैं गाजा पट्टी पर उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है इजरायली एयरफोर्सेज द्वारा, जिसका हमने एक लाइव उदाहरण दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से फाइटर जेट जिस बॉम्बिंग करने के ठीक बाद तुरंत ही निकल पड़े तेल अवीव एयरफोर्स की तरफ। और इस तरह से मैं खुद यहाँ पर 5 से 6 अलग अलग फाइटर जेट्स देख चुका हूँ पिछले लगभग घंटे भर में, जो कि बॉम्बिंग करके तुरंत ही वापस तेल अवीव की तरफ चले जाते हैं। हम लगभग आप ये मान के चलिए कि कुछ ही किलोमीटर दूर है गाज़ा से, और इसीलिए जब गाज़ा में बमबारी की जा रही है तो यहाँ पर भी हमें उन धमाकों की आवाज़ आ रही है। अटैक हेलीकॉप्टर्स हमने सबसे पहले देखा, उसके बाद में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, फाइटर जेट्स तो ऑब्वियस सी बात है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत भारी पड़ने वाला है गाज़ा के लिए आज का दिन और अगले आने वाले कुछ दिन, क्योंकि ये जो इंटेंसिटी है जो बहुत ज़्यादा बमबारी की जा रही है ये साफ इस तरफ संकेत कर रही है कि जब हवाई बमबारी से पूरे इलाकों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए उसके बाद ही जो बेंजामिन नेतन्याहू ने शब्द का इस्तेमाल किया और संकेत दिया कंप्लीट सीज ऑफ गाज़ा, इसका मतलब साफ है कि आर्मी सूनर या लेटर जल्द ही मूव करेगी गाज़ा की तरफ, और अगर मूव करना होगा तो एश्किलोन से नज़दीक और बेहतर कोई और लॉन्च पैड होगा नहीं, और इसीलिए यहां पर इस शहर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो आर्मी है हर एक गाड़ी को चेक कर रही है, काफ़ी कम मूवमेंट है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और किसी तरह की जब अर्जेंसी की जरूरत पड़े शहर का आप तो जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर जो बता रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव एरिया है और आगे भी आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके की परिस्थितियाँ देखने को मिल सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।